नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है एक और लेटेस्ट अपडेट और वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आपके असाइनमेंट को लेके। असाइनमेंट में हम बात करेंगे असाइनमेंट आपका रिजेक्ट किन किन कारणों से हो सकता है और असाइनमेंट का स्टेटस कैसे चेक करेंगे, वो आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट है कि नहीं अपडेट है। तो दोस्तों, जो चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करते हुए अभी सभी दोस्तों के साथ इसको जल्दी से शेयर कर दें ताकि उनको भी ये सभी इन्फॉर्मेशन पता चल सके। तो दोस्तों, जब असाइनमेंट शुरू हुआ था ऑनलाइन एकाएक से शुरू कर दिया गया, लेकिन उसमें कई सारी गाइडलाइंस आई, बहुत सारे बदलाव हुए और स्टूडेंट उसको चेंज करते करते बहुत सारी गलतियाँ किए, बहुत सारे लोग सही से सबमिट कर पाएँ, बहुत सारे लोग नहीं सबमिट कर पाएँ, उसमें कई सारी गलतियाँ भी हुई। तो अभी उसमें मैं बताऊँगा कि उसमें किस किन कारणों की वजह से आपके असाइनमेंट रिजेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, ऐट द एंड में जो जो फाइनल सभी रीजनल सेंटर से एक नोटिफिकेशन लगभग जारी कर दिया गया था कि आपका जो असाइनमेंट होना चाहिए वो टाइप हैंड रिटन असाइनमेंट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे असाइनमेंट स्टेटस असाइनमेंट की जो गाइडलाइंस है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। शायद आपने फॉलो अगर सही तरीके से किया होगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि असाइनमेंट रिजेक्ट हो रहे हैं, अभी ऐसा कोई भी लिस्ट जारी नहीं किया गया है रीजनल सेंटर पर फिलहाल। पहले लिस्ट जारी किया गया था दो तीन रीजनल सेंटर पर, वो जब असाइनमेंट सबमिट हो रहे थे तभी ही वो लिस्ट आई थी, उसके बाद अभी कोई ऐसी लिस्ट नहीं आई है जिसमें आपका असाइनमेंट रिजेक्ट कि आपके असाइनमेंट रिजेक्ट हो गया, वो इन कारणों से रिजेक्ट हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट अपने रीजनल सेंटर पे कंसर्न रीजनल सेंटर पे ना जमा करके किसी दूसरे रीजनल सेंटर पे जमा कर दिए थे और बहुत सारी राइटिंग मिसमैच थी। और बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे ही जो परचेज करते हैं हैंड रिटन असाइनमेंट सॉल्व असाइनमेंट उसको ही डायरेक्ट अपलोड कर दिए थे, तो इसमें बहुत सारी उनको जो उस समय गलतियाँ मिली तो उसकी वजह से उन्होंने रिजेक्ट किए थे असाइनमेंट। लेकिन बाद में अभी कोई ऐसी लिस्ट नहीं आई है, तो आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो, परेशान ना हो और अपना असाइनमेंट कैसे चेक करना है आगे मैं वीडियो में बताऊँगा। पहले ये बता देता हूँ कि किन किन कारणों की वजह से रिजेक्ट हो सकता है। तो इतनी मॉरलिटी तो रखेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे, बहुत ही हार्ड चेकिंग होगी तो रिजेक्ट किया जा सकता है, बहुत ही कम रिजेक्शन के चांसेस हैं, इसको भी आप ध्यान में रखें। कोई बात नहीं, आप परेशान बिल्कुल भी मत हो, असाइनमेंट रिजेक्ट नहीं होगा। अगर बहुत ही हार्ड बहुत हार्शली चेक करेंगे तभी रिजेक्ट होगा, नहीं तो किसी का भी असाइनमेंट रिजेक्ट नहीं होने वाला है। अगर रिजेक्ट भी होता है तो अपना हार्ड कॉपी रिटेन करके रखने के लिए सभी रीजनल सेंटर से बोला गया कि अपनी हार्ड कॉपी ज़रूर रिटेन रखें जब तक, और मैं वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कई बार कि आप जब तक आपके असाइनमेंट के मार्क्स न लग जाए तब तक अपने ये हार्ड कॉपी जो भी आपके पास पड़ा हुआ है उसको रखें। और जब पहले भी स्टूडेंट जमा कराते थे तो उनको जो स्लिप होती थी वो या फिर जो ओरिजिनल जमा कराते थे तो फोटो कॉपी उसको अपने पास रख लें ताकि उनको बाद में परेशानी ना हो। तो ये सब सारी बातें हैं और अभी मैं अभी बता दूंगा, जैसे कि ये कवर पेज में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थे, दूसरे नंबर पॉइंट पे आप देख सकते हैं, और सभी पेज पे आपका नाम एनरोलमेंट नंबर और सिग्नेचर होना चाहिए था, ठीक है। और अपने जो है स्कैन असाइनमेंट जो है अब मोबाइल से स्कैन या जिससे भी स्कैन करो वो क्लियर होना चाहिए था, उससे ब्लर ना हो, ब्लर की वजह से भी रिजेक्ट हो सकता है। अगर इन सब चीज़ों को आपने फॉलो किया होगा, मे बी आपसे कई स्टूडेंट से ये रह गई होंगी चीज़ें, तो उसमें डरने की बात नहीं है। अगर मॉरलिटी के साथ चेक करेंगे तो रिजेक्ट नहीं करेंगे, भले क्योंकि बहुत सारी गाइडलाइंस बाद में चेंज हुई, आपने पहले सबमिट करा दिया है तो उसमें कोई बात नहीं है, वो इतना मॉरलिटी रखेंगे कि वो आपको उसमें मार्क्स दे देंगे चेक करके, तो इतना तो वो समझेंगे कि स्टूडेंट किस तरीके से किस समय से गुजरा है और कैसे कैसे करके उसने असाइनमेंट सबमिट कराए हैं। तो इस बात से आप कोई घबराइएगा नहीं, अपना बस ओरिजिनल हार्ड कॉपी असाइनमेंट अपने पास हैंड रिटन वाला रखिएगा। अब जैसे कि आप किसी ने टाइप्ड असाइनमेंट अगर अगर जमा किया है तो उसके साथ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है, दिक्कत तो होगी ही क्योंकि टाइप असाइनमेंट नहीं मांगा जाता, आपको हैंड रिटन ही असाइनमेंट जमा करना पड़ता है। ब्लर असाइनमेंट है, बहुत ही ज़्यादा ब्लर है, डीप ब्लर है, तो फिर वो चेक नहीं कर पाएंगे तो रिजेक्ट हो सकता है। या रॉन्ग रीजनल सेंटर पर आपने सबमिट कर दिया हो, आप इंतजार कर रहे हो कि असाइनमेंट के मार्क्स क्यों नहीं आए, तो वहाँ से वो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर से आप सबमिट करा सकते हैं, कोई बात नहीं, इस पर वीडियो बना चुका हूँ, आप आई बटन पर लिंक मिल जाएगा कैसे सबमिट कराना है, फिर से वो आप देख लीजिएगा, वहाँ से मिल जाएगा आपको। फिर आपको ये राइटिंग मिसमैच है, आपने चार पांच असाइनमेंट एक साथ जमा कराए हैं, बहुत वो स्ट्रिक्टली चेक कर रहा है, तो हर असाइनमेंट आप में आपका राइटिंग अलग अलग है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट डिफर कर रहा है, तो रिजेक्ट हो सकता है। और आपने असाइनमेंट पेज में जो अगर कोई रीजनल सेंटर अगर बहुत ही स्ट्रिक्टली चेक कर रहा है, अगर आपने असाइनमेंट पर अपना साइन नहीं किया है और इनरोलमेंट नंबर जैसा कि उन्होंने गाइडलाइन में निकाला अगर नहीं किया है
तो रिजेक्ट कर सकता है। वैसे बहुत ही रेयर होगा कि रिजेक्ट करेंगे, वो इतनी मोरलिटी रखते हुए चेक करेंगे कि कम से कम आपको ये इस कारण के, इतनी छोटी सी कारण की वजह से रिजेक्ट ना करें। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अपना असाइनमेंट अपने पास रखें, बाकी ये गाइडलाइन फॉलो करते हुए अगर आपने असाइनमेंट सबमिट कराया तो कोई भी डरने की बात नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका असाइनमेंट रिजेक्ट नहीं होने वाला जल्दी से। अगर ऐसा कोई आएगा तो रीजनल सेंटर की वेबसाइट आप अभी चेक करते रहिए, क्योंकि अभी असाइनमेंट चेक हो रहे हैं, तो अभी इस आपके मार्क्स हेडक्वार्टर में भेजे जाएंगे, उसके बाद अपडेट होंगे। तो अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर चेक करते रहें, आपको स्टेटस पता चलता रहेगा। और अब असाइनमेंट कैसे चेक करना है मैं वो आपको बता दूंगा। आप गूगल पे या मोबाइल पे जब भी आप जाते हो तो आप बस एक चीज़ लिखो, इग्नू असाइनमेंट स्टेटस, ठीक है। इग्नू असाइनमेंट स्टेटस का सबसे पहला आएगा, और लिंक ये भी देख लीजिएगा ऊपर, इग्नू admission.ignu.ac.in का साइन दिखाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पे जा सकते हैं। मैं इसका डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। मैं इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे बस आपको अपने इनरोलमेंट नंबर डालना है और प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करना है, ठीक है। उनको सेलेक्ट करके जो भी आपका प्रोग्राम है बस सबमिट कर देंगे, आपका स्टेटस यहाँ पे आ जाएगा। अब स्टेटस यहाँ पे दिखाता है, कई बार क्या होता है कि रिसीव्ड इन प्रोसेस में दिखाता है और आपके ग्रेड कार्ड में वो ऐड होता है, बट यहाँ पे रिसीव्ड एंड प्रोसेस दिखाता है। और रिसीव्ड एंड प्रोसेस होने के बाद, रिसीव्ड एंड प्रोसेस तब दिखाता है जब ये हेडक्वार्टर में आ जाता है आपके रीजनल सेंटर से, ठीक है। उसके बाद यहाँ रिसीव्ड एंड प्रोसेस दिखाने लगता है, तो वो एक हफ्ते दो हफ्ते के अंदर वो अपडेट कर दिया जाता है। कभी कभी अभी क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट के असाइनमेंट जो पिछले साल वाले ही अपडेट नहीं हुए, रिसीव्ड एंड प्रोसेस दिखा रहे होंगे, या लेट में पहले मार्च तक या आए होंगे, या जनवरी में आए होंगे तो वो फरवरी में आए होंगे, तो वो अभी रिसीव्ड एंड प्रोसेस ही दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भी असाइनमेंट अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था तो भी अपडेट हो रहे हैं। और आपके जो अभी करंट असाइनमेंट आपने अभी जमा किया वो भी अभी भेजे जा रहे हैं धीरे धीरे, कई रीजनल सेंटर जो चेक कर रहे हैं वो धीरे धीरे भेजते जा रहे हैं हेडक्वार्टर में, और वो उसको अपडेशन चालू कर दिया गया है। तो यहाँ पर अपना स्टेटस देख पाएंगे। तो यहाँ पे रिसीव्ड एंड प्रोसेस दिखा दिया तो समझ लीजिए आपका असाइनमेंट हेडक्वार्टर में आ चुका है, और वो जल्दी आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट हो जाएगा। तो ग्रेड कार्ड में जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ग्रेड कार्ड में का मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा, ग्रेड कार्ड में जाके आप अपना ग्रेड कार्ड भी चेक कर पाएंगे। यहाँ पे कभी कभी रिसीव्ड एंड प्रोसेस दिखाता है लेकिन वहाँ पे अपडेट रहता है, तो आप ग्रेड कार्ड भी साथ के साथ चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे ग्रेड कार्ड का मैं ये डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, यहाँ से भी या होम पेज से भी जा सकते हैं आप, ठीक है। स्टूडेंट जोन में जाएंगे, फिर रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे ग्रेड कार्ड चेक करने का ऑप्शन आ जाएगा। BCMCA MPB के ऊपर हैं, ठीक है। BDP BA BCOM BSc और एसोसिएट प्रोग्राम के लिए इस बीच वाला है, और लास्ट में अदर प्रोग्राम सभी सर्टिफिकेट डिप्लोमा पेज डिप्लोमा के लास्ट में आप यहाँ पे क्लिक करके अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये है असाइनमेंट, अभी किसी का किसी सेपरेटली कोई भी अभी वेबसाइट ऐसे मतलब रीजनल सेंटर नहीं है जो अभी लिस्ट जारी किया है। काफ़ी पहले लिस्ट आई थी उसमें कि कुछ जो पहले ही मिसमैच कर रहे थे उसके लिए आया था, तो अभी कोई अगर ऐसी लिस्ट आएगी तो आपको मैं अपडेट भी करूँगा, और अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट को भी आप चेक करते रहिए। तो आप अपना असाइनमेंट का स्टेटस ऐसे ही चेक कर सकते हैं। बस यही बता इस वीडियो में दोस्तों, पैनिक ना हो, आराम से अपना स्टेटस चेक करते रहें, क्योंकि अब धीरे धीरे मार्क्स आने शुरू हुए हैं और आपके ग्रेड कार्ड में जल्द ही अपडेट हो जाएंगे। तो आप इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जवाब जरूर मिलेगा, और इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पता चल सके।